किसी शरण में आए हुए को आज तक इन्होंने त्यागा हो तो बताओ। शरणागत अनन्य भाव से शरण में आए हुए भक्त को, नामाश्रय को किसी विघ्न ने अभिभूत किया हो और उसके बाद उसका घोर पतन हो गया हो, ठाकुर जी ने उसको ठुकरा दिया हो, फिर उसकी तरफ देखा न हो, ऐसा कोई बात ऐसा कोई हो तो बताओ। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुष, 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, कितने? 100 अश्वमेध यज्ञ। इसको कोई ऐसा नहीं समझना, गाजर मूली के जैसा अश्वमेध यज्ञ को नहीं समझना। जयपुर महानगर के स्थापक महाराजा जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ की इच्छा व्यक्त की थी कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। बहुत श्रीमंत थे वो, भारतवर्ष के तमाम विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने मना कर दिया। आज के होते तो हाँ कर लेते, जजमान चेत रहा है, चेत जाने दो जजमान को, सब कुछ कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मना कर दिया, बोले आप में अश्वमेध के यज्ञ की पात्रता नहीं है, क्योंकि अश्वमेधी अश्व के जो लक्षण हैं वो अश्व ही नहीं मिलेगा, फिर आपको सारे भूमंडल पर दिग्विजय यात्रा करनी पड़े, वो सब संभव नहीं है। आप में यज्ञ की पात्रता नहीं है, हम में कराने की पात्रता नहीं है, आप में करने की पात्रता नहीं है, लेकिन आपने समग्र भारतवर्ष के विद्वानों को बुलाया है, सबको सम्मानित किया है, तो अश्वमेध यज्ञ में जिस विधि से गणपति का पूजन होता है उस विधि से हम गणपति का पूजन कराएंगे, स्थापन कराएंगे। तो अश्वमेध यज्ञ में जिस पद्धति से गणपति पूजन होता है उस पद्धति से मोती डूंगरी वाले गणेश जी की स्थापना होकर उनका पूजन किया गया। उस जमाने में 125,000 स्वर्ण मुद्राएं पूजन की सामग्री में खर्च हुई थी। कितनी? मोती डूंगरी के गणेश जी देखे हैं? जयपुर में गए कभी? नहीं गए। अरे बड़ी भीड़ लगती है। हाँ, कितने कार्ड पहुंचते गणेश जी के यहां? आप तो गए ना मोती डूंगरी के गणेश जी? हम तो कई बार गए। तो जयसिंह ने कहा कि पूजन तो संपन्न हुआ? बोले हाँ, अब जो वस्तुएं उपलब्ध हो सकी उनसे पूजन हो गया, अभी पूरा पूरी विधि तो अभी नहीं हुई। जयसिंह बोले अब हमारी समझ में आ गया कि हम अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्यों? गणेश पूजन में ही टैं बोल गई। टैं बोलना जानते हो ना? गणेश पूजन में ही पता चल गया कि 125,000 खर्च होने के बाद भी कहते अभी पूरा नहीं हुआ, हम कहाँ से यज्ञ करेंगे महाराज, नहीं कर सकते। कितना सस्ता जमाना था जानते हैं? जयसिंह ने अपने दरबार में लोगों को बुलाया, एक गरीब आदमी को बुलाया, बोले कहो ठीक हो? उसने कहा महाराज हमारी सुन लो फिर कहना फिर पूछना। हाँ कहो, आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, अन्नदाता आप माफी दो तो कहें। हाँ कहो। कहा और तो आपके राज्य में हम बहुत सुखी हैं, हमने अब तक रुपया नहीं देखा है। क्या कहा उसने? हमने बंधा हुआ रुपया नहीं देखा अब तक, हमको रुपया दिखा दो एक, कैसा होता है बंधा हुआ रुपया, हमने नहीं देखा। कोई काम धंधा नहीं करते हो? उसने कहा गधा बेचा, गदहिया बेची, सिर पर धरी गठरिया, जयसिंह तेरे राज्य में तऊ न बंधो रुपया। हमारे गधे पर जो सामान लदा था वो बेच दिया, गधी पर जो लदा था वो भी बेच दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रमाकांत जी पधारे हैं, बड़ी अच्छी कथा भी कहते, बहुत सुंदर कथा कहते हैं जी, रावतपुरा सरकार के यहाँ से पधारे। तो
क्या कह रहे थे हम, गधे पर जो सामान था वो बेच दिया, गधी पर जो सामान लदा था वो भी बेच दिया, माल बेच दिया, और सिर पर जो सामान रखा था जो ज़्यादा था वो भी बेच दिया, एक रुपया सब बिक गया, हमारा सामान सारा सामान बिक गया, एक रुपया नहीं मिला। तो हमको एक रुपया दिखा दो कैसा होता है, वो जमाना था, और तब 1.25 लाख खर्च हो गए। अब कितने खर्च होंगे, उस सस्ते जमाने के 1.25 लाख आज के कितने हुए, कोई हिसाब किताब नहीं है। और उस जय सिंह ने वो अश्वमेध यज्ञ, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और इंद्र पद का अधिकारी हो गया नहुष, बैठ गया इंद्रासन पर। पर भैया चाहे 100 यज्ञ कर लो चाहे 1000 यज्ञ कर लो, अंतःकरण की शुद्धि बिना भगवत शरणागति के, बिना भगवन नाम जप के, बिना भगवत भागवत चरित्र श्रवण के चित्त शुद्धि संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। वहां पहुंचने के बाद भी बुद्धि तो शुद्ध थी नहीं, बोला जब हम इंद्र बने तो इंद्राणी हमारी घरवाली होनी चाहिए। भेज दिया इंद्राणी को संदेश, आओ मेरे पास। इंद्राणी घबराई क्योंकि बृहस्पति जी अंतर्धान हो गए थे। इंद्राणी ने बृहस्पति जी की याद की, गुरु जी हमारे धर्म को बचाओ। गुरु जी तो युक्ति बता गए, बोले उस दुष्ट नहुष को कह दो कि वो तुम्हारे पास पालकी में बैठकर आवे और ऋषियों को जोत कर आवे, या तो वो आएगा नहीं, और आएगा तो ब्राह्मणों के ऋषियों के तिरस्कार से स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धर्म बच जाएगा। बृहस्पति जी युक्ति, गुरु जी तो युक्ति बताते बता के चले गए। और उसके मन में ये नहीं आया कि मैं इन ऋषियों को ब्राह्मणों को पालकी में कहार बनाऊं। सप्तर्षियों को कह दिया उठाओ हमारी पालकी, इंद्राणी के पास जाना है। देवराज इंद्र हैं, भगवान की विभूति हैं, बड़े यज्ञ करके यहाँ तक, हाँ ठीक है, वो सबने पालकी उठा ली। अगस्त जी महाराज भी पालकी में लगे थे, महर्षि अगस्त, बताइए ऐसे ऐसे महात्मा। अब वो इतना व्याकुल हो रहा था इंद्राणी से मिलने के लिए, उसको लगता था बहुत धीमे चल रहे, तो कहते सर्प 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 सर्प, श्री गत हुए ना तो सर्प सर्प, चलो शीघ्र चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब महात्मा तो अपने ढंग से चल रहे थे, कहीं कहार थोड़ी थे। इसने पैर पालकी से निकाला, अगस्त जी के सिर पर मार दिया, फिर जल्दी चलो, पटक दी पालकी, अरे दुष्ट जा भयंकर सर्प की योनि में चला जा, सर्प सर्प कहता जा, सर्प बन जा। सोई चिल्लाने लगे, नीचे सिर ऊपर पैर, हाय मरे हाय मरे, ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले की गति भई। बोला महाराज अब जो हुआ सो हुआ, हमारा उद्धार कैसे होगा, आप महात्मा हो दया करो। बोले जब किसी भगवान के भक्त के साथ तुम्हारा संवाद होगा तब तुम्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब धर्मराज युधिष्ठिर के साथ जब संवाद हुआ, ये नहुष अजगर बना, इसने भीमसेन को जकड़ लिया और भीमसेन को छोड़ा नहीं, भीमसेन छुड़ा नहीं पाए अपने आप को उस अजगर से। तब धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान भक्त से संवाद हुआ, तब उसके पाप नष्ट हुए और वो पुनः स्वर्ग गया। चलो नहुष की बुद्धि शुद्ध नहीं भई तो कोई बात नहीं, अरे शचीपति देवराज इंद्र की बुद्धि तो शुद्ध हो जाती। यदि देवराज इंद्र की बुद्धि शुद्ध हो जाती तो वे अहिल्या पर कुदृष्टि नहीं करते। भैया चित्त की शुद्धि भगवत शरणागति से होगी, भगवत भजन से होगी, कोई साधन नहीं। देवता बनने के बाद भी चित्त शुद्ध नहीं होगा। साधो भाई, मलुकदासी का पद, अपनी करनी ना
जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाही। साधो भाई अपनी करनी नाही, लक्ष्य गौदे अन्न खात थे राजा मृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई ले गिरगिट करी डारे। साधो भाई अपनी करनी नाही। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधो भाई अपनी करनी नाही।